नमस्ते दोस्तों, कैसे हो आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप बहुत बढ़िया होंगे, अपने घर पे स्वस्थ होंगे और खूब इंजॉय कर रहे होंगे अपनी लाइफ को। तो मैंने कुछ शॉपिंग की थी तो वो मेरे को काफ़ी अच्छी लगी, तो आप लोगों को भी दिखाती हूँ कि मैंने क्या क्या शॉपिंग की है ऑनलाइन। तो ये मेरे पास एक बॉक्स है, इसमें स्टेनलेस स्टील का रैक है जिसको हम किचन में यूज़ कर सकते हैं, जो हमारे स्पाइस के छोटे छोटे डब्बे होते हैं उसके लिए रैक है ये बहुत बढ़िया है, इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है। तो ये मेरे को बहुत बढ़िया लगा था, तो ये मैंने ऑनलाइन शॉपिंग की है, तो मैंने सोचा आप लोगों को भी दिखाऊं, तो आप लोग मंगा के यूज़ कर सकते हो। उसकी क्वालिटी बहुत बेस्ट है, जो इसका प्राइस है उसमें ऐसी क्वालिटी बहुत बढ़िया है, तो आप लोग भी मंगा के यूज़ कर सकते हो। आज मैं इनकी अनबॉक्सिंग करूँगी, तो मैंने सोचा आप लोगों को भी दिखाऊँ, तो आप लोगों को अच्छा लगे तो आप लोग भी मंगा सकते हो। मेरे पास एक बड़ा बॉक्स है जिसमें रैक है और इसमें छोटे छोटे लकड़ी के चम्मच, पलटे, स्टेचुला से हैं जो वो भी मैंने मंगाए हैं ऑनलाइन ही। तो ये मेरा दूसरा बॉक्स है और स्टेनलेस स्टील के चम्मच, पलटे और छलनी वो सब मैंने मंगाए हैं, इसलिए मेरा तीसरा बॉक्स है। तो मैंने कुछ ऑनलाइन शॉपिंग की थी, तो आप लोगों को भी वो सब मैं दिखाती हूँ। और ये एक छोटा बॉक्स है जिसमें छोटे छोटे बुद्धाज हैं, बहुत बढ़िया हैं, बहुत ही क्यूट से हैं, तो ये मैंने मंगाए हैं ऑनलाइन। और एक ये शो पीस है, ये भी मैं आप लोगों को अभी अनबॉक्सिंग करके दिखाती हूँ। तो इनकी क्वालिटी बहुत बढ़िया है, मेरे को बहुत बढ़िया लगी, तो मैंने इनकी वीडियोस देखी ऑनलाइन, जो भी लोग इनको खरीद रहे थे, यूज़ कर रहे थे, वो बहुत बेस्ट बता रहे थे, तो इसीलिए मैंने भी ये ऑनलाइन शॉपिंग की है। तो आप लोग भी मंगा के यूज़ कर सकते हो, बहुत बढ़िया है। तो आज मैं इन सब की अनबॉक्सिंग करूँगी, आप लोगों को इनकी क्वालिटी दिखाती हूँ कितनी बढ़िया क्वालिटी है, तो फिर आप लोग भी मंगा के यूज़ कर सकते हो। अगर आप लोगों को पसंद आए तो आप लोग भी यूज़ कर सकते हो। सबसे पहले हम ये बड़े वाले बॉक्स इसको अनबॉक्सिंग करेंगे, इसको खोल के देखते हैं इसमें कैसे क्वालिटी है। वीडियो में सभी बहुत बढ़िया बता रहे थे, तो मैंने भी ये ऑनलाइन शॉपिंग की है, तो आज इसको हम निकाल के अभी आप लोगों को भी दिखाते हैं उसकी क्वालिटी कैसे है। इस बॉक्स को मैं पहले खोल लेती हूँ, फिर आप लोगों को दिखाऊंगी। आप लोग देख सकते हो ये इस तरह से रैक है, बहुत बढ़िया है ये, इसकी क्वालिटी बहुत बढ़िया है, स्टेनलेस स्टील का है और मजबूत भी काफी है। और इसके नीचे ये हुक से दे रखे हैं इसमें बॉक्स में ही, इनको स्पॉट करने के लिए नीचे अच्छे से टिक जाए ये मैं सारे इनमें लगा लेती हूँ, चार आए हैं इनके, चारों कोनों पे लगा लेती हूँ इस तरह से। ये मैंने लगा लिए हैं, आप लोग देख सकते हो इसके प्राइस के अकॉर्डिंग ये बहुत बढ़िया है, बहुत मजबूत है। इसमें जो हमारे मसाले के छोटे छोटे डब्बे होते हैं उनको रख सकते हैं, तो आठ डब्बे ऊपर वाले रैक में आ जाएंगे और आठ ही नीचे आ जाएंगे, तो हमारे जो भी किचन में यूज होते हैं मसाले वो सारे इनमें रख के हम यूज़ कर सकते हैं। इसको स्लेब पे ये स्पेस भी बहुत कम लेगा और रखा हुआ भी बहुत बढ़िया लगेगा, इसकी क्वालिटी बहुत बेस्ट है। इसकी प्राइस को आप सुनोगे तो आपको अचंबा होगा कि इतनी कम प्राइस में इतनी बढ़िया क्वालिटी मिल गई है। तो ये मैंने 235 रुपए का मंगाया है, जो स्टेनलेस स्टील है, स्टील इसका काफ़ी बढ़िया है, तो प्राइस के अकॉर्डिंग ये बहुत अच्छे क्वालिटी में मेरे को स्टैंड मिला है। तो इस तरह से आप लोग भी मंगा के, अगर आप लोगों को पसंद आए तो मंगा के यूज़ कर सकते हो, इस तरह से आप लोग देख सकते हो। तो पहला मेरा ये आइटम है जो मेरे को बहुत बढ़िया लगा, तो एक मैंने ये मंगाया है। अब दूसरा बॉक्स हम अनबॉक्सिंग करते हैं, ये मेरा दूसरा बॉक्स है, इसको भी मैं अभी खोल लेती हूँ, फिर आप लोगों को दिखाती हूँ इसमें
इसकी मैं जो टेप लगी हुई थी वो मैंने पहले ही उतार दी थी जब आया था कि थोड़ा टाइम बच जाएगा, तो ये मैं भी खोल के आप लोगों को दिखाती हूँ। टेप मैंने सारी पहले ही निकाल दी थी और इस बॉक्स में ये मुझे 5 आइटम मिले हैं। अभी मैं पन्नियाँ निकाल के दिखाती हूँ आप लोगों को। ये इस तरह से है, बहुत मजबूत है, बहुत बढ़िया है। ये पराठे चिले पूड़े बनाने में ये बहुत हेल्प करेगा हमारी रसोई में, तो ये काफ़ी बढ़िया है। दूसरा एक ये प्लेन है, उसी टाइप का है, ये पलटा सा, पलटा ही बोल सकते हैं इसको आप। ये इस तरह से है, क्वालिटी काफ़ी बढ़िया है इनकी। और ये एक स्पून है ग्रेवी डालने के लिए, सब्जी डालने के लिए, रायता वायता डालने के लिए। आप लोग देख सकते हो इसकी कितनी अच्छी क्वालिटी है। और एक ये हमारी छलनी है पूरे तलने के लिए, पकौड़े तलने के लिए, छोटी सी है, ज़्यादा छोटी नहीं बोल सकते, सही है साइज इसका, बहुत बढ़िया है, स्टील की क्वालिटी बहुत बेस्ट है, बहुत बढ़िया है। और एक ये हमारी स्पून है सब्जी ग्रेवी रायता कुछ भी डालने बनाने के लिए, तो इसकी क्वालिटी बहुत बेस्ट है। तो ये मुझे 5 आइटम मिले हैं और इनकी कीमत बहुत ही कम है। आप सुनोगे तो आपको हैरानी होगी आप इतनी कम कीमत में इतनी बढ़िया क्वालिटी के मेरे को ये सारी चीज़ें मिली हैं। ये 214 रुपये में मेरे को 5 पीस मिले हैं स्टेनलेस स्टील के, बहुत तो अच्छी क्वालिटी की स्टील है इनकी, तो ये मेरे को बहुत अच्छे लगे थे तो ये मैंने मंगाए। तो इस तरह से आप लोग भी मंगा के यूज़ कर सकते हो, अगर आप लोगों को अच्छा लगा हो तो मंगा के यूज़ कर सकते हो। ये मेरा दूसरा आइटम है और अब मैं तीसरा बॉक्स ओपन करती हूँ। इनके मैंने सबके पहले टेप निकाल दी थी तो थोड़ा सा टाइम बच जाएगा, इसलिए इसमें वुडन के लकड़ी के पीसीज हैं। ये आप लोगों को सारे दिखाती हूँ मैं भी निकाल के। ये इतने सारे पीसेस आए हैं, एक पहले ये निकला था, इसको मैं पहले इसी को जोड़ के दिखाती हूँ। ये ऐसे दो पीस हैं और इसका ये स्टैंड है, हैंडल है, तो इसको इसमें ऐसे फिक्स कर लेंगे, ये ऐसा बन जाएगा कुछ, जो रोटियाँ पराठे कुछ सेकने में तो हेल्प मिल हो जाएगी, हमारे हाथ नहीं चलेंगे तो वे पे सीखते हैं। तो ये है एक, और दूसरा ये स्टैचुला है जो हम नॉन स्टिक के बर्तन यूज़ करते हैं या मिट्टी के बर्तन यूज़ करते हैं, उसमें हम स्टील के स्पून यूज़ नहीं कर सकते, उसके लिए मैंने ये मंगाए हैं। तो इनकी क्वालिटी बहुत बढ़िया है, बहुत बेस्ट क्वालिटी है। वो एक हो गया था, ये दूसरा आइटम है, और ये तीसरा आइटम है, छलनी है ये लकड़ी की, वुडन की, अच्छी वाली लकड़ी है ये। और ये चौथा आइटम है हमारा, बहुत बेस्ट क्वालिटी है इनकी। और ये पांचवा आइटम है, ये मेरा छठा आइटम है, और ये स्पून है सातवां आइटम है, और ये भी स्टैचुला है पराठे पराठे पलट पलट करने के लिए, ये मेरे आठवां आइटम है। तो ये 150 यानी 150 रुपये में मेरे को 8 पीस मिले हैं जिनकी क्वालिटी बहुत बहुत ज़्यादा बढ़िया है, बहुत बेस्ट है, और ये बहुत काम में आने वाले सारे स्टैचुलास हैं या चमचे पलटे हैं जो कि हमारे बहुत ज़्यादा यूज़ में आएंगे, बहुत बढ़िया क्वालिटी है। तो इस तरह से आप लोग भी अगर आप लोगों को अच्छे लगे हों तो मंगा सकते हो, यूज़ कर सकते हो, बहुत बेस्ट है, बहुत ही बढ़िया है। ये मेरा तीसरा आइटम हो गया है। उसके बाद एक मैंने 100 पीस मंगाया है,
ये इनको मैं खोल के दिखाती हूँ आप लोगों को। इस तरह के हैं और ये ऐसे पीसेस आए हैं। अभी मैं आप लोगों को जोड़ के दिखाती हूँ। ये मेरे 8 पीस हैं। दीवार पे हम इनको लगा के शोपीस रख सकते हैं छोटे छोटे। एक ऐसा है और इसमें ये हमें अटैच करना है, जोड़ना है। तो इसमें पहले से ही होल कर रखे हैं इसको अटैच करने के लिए। तो ये मैं अभी आप लोगों को अटैच करके दिखाती हूँ। बहुत आसानी से अटैच हो जाएगा ये। ये अटैच हो जाएगा तो दिखने में कुछ ऐसा लगेगा, आप लोग देख सकते हो। इस पे छोटे छोटे फ्लावर पॉट से, जो आर्टिफिशियल फ्लावर पॉट आते हैं या छोटे छोटे शोपीस से आते हैं, वो लगा के दीवार पे ऐसे इनको हैंग कर सकते हो, टांग सकते हो किसी भी शेप में, किसी भी डिजाइन में। और इसमें पहले से होल कर रखे हैं जिससे आप कील लगा के आसानी से टांग सकते हो। ये दीवारों पे बहुत बढ़िया लगेगा इस तरह से। तो एक मैंने ये मंगाया है, ये वुडन नहीं है, ये कुछ गत्ता सा है और उस पर ये प्लाई चिपका रखी है जो कि साफ करने में भी बहुत आसानी होगी। अगर धूल मिट्टी इस पर लगती है, गंदा होता है तो कपड़े से बहुत अच्छे से साफ हो जाएगी। और ये एक मैंने ये छोटा सा आइटम मंगाया है, दीवार पे जब लगाऊंगी तो फिर मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। ये बहुत बढ़िया लग रहा था मेरे को, तो एक मैंने ये मंगाया है। इनको सबको अटैच करके और दीवार पे लगा के फिर मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। ये सारे पीसेज मैं इसी में पहले फिक्स कर लूँगी, उसके बाद फिर मैं आप लोगों को दीवार पे लगा के भी दिखाऊंगी किसी और वीडियो में। और ये लास्ट मेरा आइटम है, छोटा सा बॉक्स। इसमें छोटे छोटे बुद्धाज हैं जो मेरे को बहुत बढ़िया लगे इस तरह से, जिसमें छोटे छोटे हैं बिल्कुल ही, देखने में बहुत क्यूट लग रहे हैं। अभी मैं आपको ये पन्नी में से निकाल के दिखाती हूँ। ये इस तरह से हैं, आप लोग देख सकते हो, बहुत ही प्यारे हैं, बहुत अच्छे लग रहे हैं इस तरह से। अभी इन चारों को ओपन करके दिखाती हूँ। बहुत प्यारे प्यारे कलर में और बहुत ही अच्छे हैं। इस तरह से ये क्यूट से चार बुद्धाज हैं। ये हमें सिखाते हैं कि बुरा मत बोलो, किसी को भी बुरा मत बोलो। ये सिंबल उसका है, बहुत ही प्यारा लग रहा है मेरे को। बुरा मत सुनो, बुरा मत देखो और बुरा मत सोचो। इस तरह से ये बहुत ही छोटे छोटे हैं, बिल्कुल छोटे छोटे से हैं। मैं उंगली से साइज नापूं तो मेरे दो उंगल के बराबर ही है ये, लेकिन बहुत क्यूट लग रहे थे मेरे को। और ये बहुत कम प्राइस में, ये 126 का आया है मेरा ये, तो मेरे को बहुत बढ़िया लगा था। और इसका मैंने प्राइस नहीं बताया, ये 130 का आया था। तो इस तरह से इसको दीवार पे आप हैंग कर सकते हो। मैं आपको ये रख के दिखाती हूँ बुद्धा, इस पे भी रख सकते हो। ये इसका वेट आराम से ले लेगा क्योंकि बहुत लाइट वेट है। तो इस तरह से दीवार पे लगा के अपने घर को सजा सकते हो। बहुत अट्रैक्टिव लग रहा है मेरे को तो ये, तो ये मैंने मंगाया। इस तरह से मैं दीवार पे लगा के फिर आप लोगों को फिर दिखाऊंगी किसी और वीडियो में। तो ये सब मैंने आइटम मंगाए तो मेरे को अच्छे लग रहे थे, तो आप लोगों को भी मैंने दिखाए, तो आप लोग भी मंगा के यूज़ कर सकते हो। बहुत बढ़िया क्वालिटी है इन सब की। तो आज की शॉपिंग
अनबॉक्सिंग जो मैंने शॉपिंग की थी ऑनलाइन उसकी अनबॉक्सिंग की है, तो मैंने आप लोगों को दिखाई। तो इस तरह से आप लोगों को अगर आइटम अच्छे लगे हों तो मंगा सकते हो, यूज़ कर सकते हो। प्राइस के अकॉर्डिंग बहुत बढ़िया क्वालिटी है, बहुत अच्छे हैं। तो यही सब था आज की वीडियो में। अगर मेरी वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो दोस्तों, तो मेरी वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करना। जो लोग पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इन्जॉय करें अपनी लाइफ को। खुश रहो, मस्त रहो और खूब ध्यान रखो अपने स्वास्थ्य का। मौसम ख़राब है तो स्वास्थ्य आज के टाइम में तकरीबन सभी लोगों का अच्छा नहीं चल रहा है, तो आप लोग ध्यान रखें और खुश रहो दोस्तों। बाय बाय एवरीवन, टेक केयर, बाय बाय।